लोग अपने को सक्षम कहते हैं, जरा उनसे कहिए कि थोड़ा सा भी ऊपर चढ़ जाओगे सीढ़ियों पर तो अभी किसी फ्लैट की चौथी मंजिल पर जाने में घबराते हैं, लेकिन उसकी तुलना में हम ये अगर अरुणिमा सिन्हा की बात करें कि इस बेटी ने एवरेस्ट की चोटी जिसकी कल्पना करना मतलब सहज नहीं है, वो एवरेस्ट की चोटी को भी उसने फतेह किया है। अरुणिमा सिन्हा ने अपने दृढ़ विश्वास से सबके लिए एक मिसाल कायम की है, हमारे संवेदनशील राष्ट्र ने उसे पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। इन रोल मॉडल्स ने गंभीर दिव्यांगताओं के बावजूद हमारे देश का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है। मैं एक बार फिर राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए उनके भावी जीवन की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे विश्वास है कि इनसे प्रेरणा लेकर अन्य दिव्यांगजन जीवन में और ऊंचाई प्राप्त करने के लिए साहस के साथ प्रयत्न करते रहेंगे। साथ ही मेरे देशवासी दिव्यांगजनों के जीवन को और बेहतर बनाने के लिए संवेदनशीलता के साथ एक समावेशी नए भारत का निर्माण करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय आपका आपके प्रेरणादायी संबोधन के लिए। और अब हम निवेदन करते हैं माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर से कि कृपया आभार प्रकट करें। महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी, आदरणीय श्री थावरचंद गहलोत जी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, मेरे साथी राज्य मंत्री आदरणीय रामदास अठावले जी, आदरणीय विजय सापला जी, विभाग की सचिव आदरणीय शकुंतला जी, मुख्य आयुक्त आदरणीय डॉक्टर कमलेश पांडे जी, वर्ष 2017 में दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता, सामान्य अतिथिगण, बहनों और भाइयों, हम माननीय राष्ट्रपति महोदय के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने विशिष्ट दिव्यांगजनों, निजी व्यक्तियों तथा संस्थानों को दिव्यांगजन सशक्तिकरण में उल्लेखनीय कार्य हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने के लिए अपने अमूल्य समय में से कुछ समय निकाला। यह देश के सभी दिव्यांगजनों के लिए अत्यधिक सम्मान का क्षण है, क्योंकि उनकी अनेक बाधाओं के बावजूद यह दिव्यांगजनों के दृढ़ संकल्प, प्रतिबद्धता और सबसे अधिक उनकी मानवीय इच्छा शक्ति का प्रतीक है। आदरणीय राष्ट्रपति जी, आपकी सम्मान्य उपस्थिति से उनके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इनकी प्रतिबद्धता में और अधिक वृद्धि होगी और इसे बल मिलेगा। साथ ही आपके द्वारा आज प्रदान किए जा रहे आशीर्वाद को यह सदैव अपने हृदय में बसाए रखेंगे। हम माननीय मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता के प्रति भी आभारी हैं जिन्होंने दिव्यांगजनों के अधिकारों एवं उनकी गरिमा की रक्षा करने के हमारे सभी प्रयासों में सदैव हमारा पूर्ण सहयोग एवं मार्गदर्शन किया। हम आभारी हैं अपने राज्य मंत्रियों के जिन्होंने हमें सदैव सर्वश्रेष्ठ करने के लिए प्रेरित किया। मैं राष्ट्रीय चयन समिति, स्क्रीनिंग समितियों और विभाग के अधिकारियों को राष्ट्रीय पुरस्कार की सूची को अंतिम रूप देने में उनके बहुमूल्य सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। हम दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो और प्रेस एंड मीडिया को इस कार्यक्रम की सूचना के प्रचार प्रसार में अपनी भूमिका के लिए धन्यवाद देते हैं। इन्होंने दिव्यांगजनों को समाज से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। इस कार्यक्रम के प्रबंधों में सहयोग के लिए दिल्ली पुलिस एवं विज्ञान भवन के अधिकारियों का भी हम धन्यवाद करते हैं। हम यहाँ उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथियों के प्रति तथा उनके सभी के प्रति आभारी हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान किया। हम पुरस्कार विजेताओं के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहेंगे। हमें आशा है कि अन्य अनेक व्यक्ति इसका अनुसरण करेंगे। हमें विश्वास है कि भविष्य में भी दिव्यांगजनों के समान अवसरों एवं अधिकारों को सुनिश्चित करने हेतु सभी नागरिकों को प्रेरित करते रहेंगे। अंत में मैं अपने सभी अधिकारियों एवं विभाग के अन्य सदस्यों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय। हमारा अब आप सभी से निवेदन है कि कृपया राष्ट्रगान को सम्मान देने के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। Thank you.
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी आपकी गरिमामय उपस्थिति के लिए। सभी गणमान सम्माननीय अतिथियों महानुभावों का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं उनकी उपस्थिति के लिए। आप सभी से निवेदन है कि कृपया माननीय राष्ट्रपति जी के प्रस्थान करने तक आप सभी अपने ही स्थान पर रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अवॉर्डीज यहीं पर बैठे रहेंगे और आप सभी जो हैं वो चाय पर सादर आमंत्रित हैं। बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत सारी बधाई, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।